आम चुनाव के छठे चरण में आज 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया। इस चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना था, खराब मौसम के कारण इसे छठे चरण के लिए बढ़ा दिया गया था। इस चरण में 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। छठे चरण में कई दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत दांव पर है। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर गुरुग्राम, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 के आम चुनाव में दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से छठा चरण सत्ता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आम चुनाव के अंतिम और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे चरण के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज सुबह एक्स हैंडल पर लिखा है, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं बहनों और बेटियों के साथ ही युवा वोटरों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।